जाती मार ली, क्या करें, बस नहीं, आप अंडे की प्राइवेसी खराब ना करें। जाती मारने से आपको पता, जरा सड़ गया जी, काला हो गया। अपनी लाइफ अच्छी है, वो सुबह सुबह उठो और जिस स्कूल जाओ, क्यों उनका बस ना। हमारे भी ऑनलाइन क्लासेस हो तो हम भी यही कहते हैं। ये जी इब्राहिम रोटी लेके जा रहा है, इसकी बनाना जरा। सुगड़ बेटी घर की। ये गाइस हमारे पपियां ले रही हैं दिया, मां दिया तो कदी नहीं लिया, रोज तो लेता है सुबह। वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज ही संडे है और आज भी हमारी हेल्पर नहीं आई है और सैटरडे को भी नहीं थी आई। काम शाम करना यकीन करें काफी ज्यादा मुश्किल हुआ हुआ है। अच्छा, इस लिहाज से मुश्किल हो जाता है कि मतलब कि सफाई वगैरह भी फिर खुद करनी पड़ती है, बच्चे भी घर पे होते हैं और आपको पता है सारा ना माशाल्लाह हमारा सिस्टम हुआ हुआ होता है खराब। तो अब जी मैं नाश्ता बनाने जा रही थी, बच्चे उठ गए हैं और अभी सफाई वगैरह भी करने वाली हैं, काफी काम करने वाले हैं। तो मैंने कहा क्यों ना चलें जी, आज आपके साथ अपनी संडे नाश्ते की रूटीन शेयर करते हैं। मैं आपको चीजें फ्रीज करनी बताई थी, वो यकीन करें इन मौकों पे ना फिर बंदे के लिए काफी हेल्प हो जाती है कि अगर आपकी हेल्पर नहीं आ रही है या आप कहीं काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपके पास काफी काम हुआ हुआ होता है, तो ये लाना में लाना ही होता है, तो उसके बाद आपका खाना वगैरह बन जाता है। ठीक है, तो चले अब मैं सबसे पहले तो प्याज निकाल लेती हूँ क्योंकि काफी देर हो रही है, बच्चों को लाने के बहुत। ये मैंने ऊपर से निकाल लिए थे क्योंकि काफी देर हो रही थी, तो मैंने कहा एक साइड पे निकाल के रख लेती हूँ ताकि मैं फौरन से निकाल लूँ। अच्छा, जितनी काम करने वाली खवातीन होती हैं उनके लिए मैं कहती हूँ कि सिनेमा से काम नहीं है। अब ये देखें, जैसे कि बाकी तो चीज़ें मैंने सारी निकाल दी हैं। अच्छा, मैंने अपना एग मसाला रेसिपी की आपके साथ शेयर की हुई है। ठीक है, ये वाला वैसे तो मैं जब नॉर्मल घर में बनाती हूँ ना, मैंने मसाला भी बना के रखा हुआ है। मैंने सिर्फ ये प्याज डालती हूँ, साथ में टमाटर डालती हूँ और आधी चम्मच इसकी डाल के मैं फौरन से ऑमलेट बना लेती हूँ। ठीक है, लेकिन ये मैंने आप सबके लिए सारे मसाले इधर डाल करके और यही सारे मसाले मैंने इसके अंदर भी डाले हुए हैं। ठीक है, और आपके लिए ये मैंने सारे मसाले डाले हैं ताकि आपको एक ही चीज का पता चल जाए कि मैंने ये फ्रीज किए थे और आपके सामने मैंने निकाले और अभी तक मैंने इसका ऑमलेट नहीं बनाया है। मैंने तकरीबन सिर्फ 10 सेकंड के लिए ना, 15 सेकंड के लिए हल्का सा मैं माइक्रोवेव करूंगी, तो ये बिल्कुल अगर आप इसको निकाल के थोड़ी देर के लिए बाहर रख देते हैं तो वो भी बहुत जल्दी आसानी से ना आपका मतलब कि अलग हो जाता है, लेकिन अगर इसको हल्का सा मैं माइक्रोवेव करूंगी 10-15 सेकंड। ये जी देखें, मैंने सिर्फ हल्का सा इसको ना माइक्रोवेव कर लिया। ठीक है, आप अगर इसको आपने बना के रखना है तो आप देख लें, ये देख लें कितने अच्छे से मैं हल्की सी नाइफ मार रही हूँ ना, तो ये अलग हो रहा है। जितना आपको इसमें से चाहिए ना उतना आप ना इसमें से खुर्स के ना बाहर निकाल लें। ठीक है, जितना आपको ऑमलेट चाहिए, मैंने सबके लिए ऑमलेट बनाना है। तकरीबन मैंने तकरीबन आप कर लेना 5 अंडों का मैंने ऑमलेट बनाना है। तो ये जी मैं इसमें से निकाल के, तो ये मैंने बाउल रख लिया पास, तो ये जी मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी। ठीक है, ये आराम से हाथ के साथ भी ये देख रहे हैं ये हो जाएगा। ये देख, ठीक है, अब ये डाल लेना है इसके अंदर और प्याज आपको पता है इसमें पहले मैंने तकरीबन 5 अंडों का ऑमलेट बनाना है और ये अब मैंने ऐसे ही फौरन से इसको बंद करके तो फ्रीजर में रख देना है। ठीक है, इसको आपने बाहर रख के बिल्कुल मेल्ट नहीं होने देना है, आपने थोड़ा सा बस इसको माइक्रोवेव करके निकाल लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अब इसको मैं रख दूंगी और बाकी की मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करती हूँ आगे। चले जी, वो मैंने रख दिया है। अब जी इसके अंदर ये जी जाएंगे तकरीबन ये 2 बड़े टमाटर हैं क्योंकि मुझे ऑमलेट में ज़रा टमाटर अच्छे लगते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर आप इसमें शिमला मिर्च ऐड करना चाहते हैं और बंद गोभी भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। शिमला मिर्च अब घर पे है कोई नहीं है, असल में वेजिटेबल मैं लेने गई थी तो मुझे शिमला मिर्च लानी नहीं थी याद रही। ठीक है, ख़त्म हुई हुई है और इसलिए मैं वो ऐड नहीं कर रही हूँ। और ये जी अंडे हैं और ये जी मसाले हैं। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये मसाले हैं। मसालों में ये 1/2 टीस्पून कसूरी मेथी है, ये जी है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, ये जी 1/2 टीस्पून है इसमें काली मिर्च, 1/2 टीस्पून है इसमें जी गरम मसाला और 1/4 टीस्पून है जी ये चिल्टन प्योर की हल्दी और ये जी साथ में है 1 टीस्पून ही ये है जी सुर्ख मिर्च। ये सब पिसी हुई हैं, इसको मिक्स करके हम इसके अंदर ऐसे ऐड कर देंगे। अच्छा, मैं ये सारे मसाले ऐड करके मैंने जैसे कि आपको दिखाया है कि मैं रख लेती हूँ और उसके बाद जी ये सिंपल इसके अंदर अलग से मैं अंडे कोई नहीं करती हूँ,
मतलब के फेंट के मैं बीच में ही ऐड कर देती हूँ। गर्मियों में ये है कि निकाल अलग लेती हूँ, जैसे कि आपको पता है कि अंडे ज़्यादातर ख़राब निकलते हैं। सर्दियों में ये इशू कोई नहीं होता है, आपको पता है अंडे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ही निकलते हैं, लेकिन ज़रा जब ऐसे अंडा थोड़े हों ना थोड़ी सी जाती मार लिया करें। आप अंडे की प्राइवेसी खराब ना करें, जाति मारने से आपको पता जरा मसाइल पड़ता नहीं, मसाइल नहीं पता होते, बस एक आजू बाजू की ना सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। ये जी आप इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है। हल्का सा अगर दूध डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, कई लोग कहते हैं कि भाई दूध डालने से बड़े अच्छे और मतलब के फुला फुला सा बनता है ऑमलेट, मेरा ऐसे ही फूला फूला बन जाता है, मैंने कभी दूध नहीं ऐड किया है बीच में, ठीक है। हाँ जब फ्रेंच टोस्ट वगैरह बच्चों के लिए बनाती हूँ फिर तो ज़ाहिर है वो दूध उसमें ऐड लाजमी करना पड़ता है, शुगर भी डालनी होती है दूध भी डालना होता है, लेकिन इसके लिए मैं तो इसमें कुछ भी नहीं ऐड करती हूँ। देखिए मैंने पैन रख ली है, अब जी इसके अंदर मैंने ऐड करना है ऑयल, बस इतना सही ऑयल करना है क्योंकि नॉन स्टिक है इतने ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। और जी बस ठीक है, और इसके अंदर जी ऑमलेट डाल मसाले में आपको जैसे कि बताती हूँ मेरे घर में जितने इस्तेमाल जिस तरीके से चीज़ बन रही होती है मैं अपना आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर मसाले आपके थोड़े होते हैं तो आप अपने मसाले थोड़े से बेशक ज़्यादा डाल लिया करें, ठीक है। क्वांटिटी वगैरह जितनी होती है अपनी उसके हिसाब से अपने मसाले ज़रा मैनेज कर लिया करें। अगर आप कोई चीज़ ज़्यादा डाल रहे हैं जैसे कि प्याज वगैरह ज़्यादा डाल रहे हैं, टमाटर ज़्यादा डाल रहे हैं, थोड़े से मसाले ज़्यादा कर दें, अगर थोड़े डाल रहे हैं तो मसाले थोड़े डाल दें। ये भी फ्लेम ऑन कर रही है। अच्छा ये कल मैंने आपके साथ शेयर किया था, ये जी साबुन आया था, ये भी थोड़ा सारा गर्म करूँगी साथ क्योंकि ये रात को हमने खा लिया था, और ये भी अब नाश्ते में साथ गर्म करूँगी, मम्मी खाती हैं ज़रा ज़्यादा शौक से। अच्छा ये जी मैं स्पून मैंने आपके साथ शेयर किया था कल मैं लेकर आई थी, और ये जी ये मिक्सिंग के लिए यूज़ होती है, कुकिंग में भी यूज़ होती है। ये जी अब नीचे से हो रहा है ये डार्क, ये नीचे से डार्क हो रहा है तो ये मैं थोड़ा सा फैला रही हूँ ताकि ना ये ऊपर वाला भी ना नीचे थोड़ा सा चला जाए और ये कुक हो, क्योंकि ना ये हो रहा है नीचे वाला डार्क होता जा रहा है। असल में मुझे ज़रा आदत है उस पर तवे के ऊपर बनाने की, आपको पता ज़रा हम ज़रा देसी माएँ हैं जो हम कदस। हाँ जी आपका क्या ख्याल है इस बारे में? माएँ भी देसी बड़ी बहन। ये ना दो दिन इसके पे दो तीन दिन पेपर थे तो ये इसलिए बची रही है मेरे से। अच्छा जी पराठे बनने जा रहे हैं देसी काव घी के साथ, आपको पता है हमारा वन एंड ओनली। गाइस ऑमलेट सड़ गया जी, काला हो गया। ये देखो मेरा भी नहीं सड़ा, गाढ़ी सड़ी है ये जी। असल में मैंने इसका डाला है ऑयल, मैंने बहुत ही कम डाला है जैसे कि आपने देखा है, ये देखने ज़रा भी नहीं जला है। अच्छा इसके इतने ज़्यादा टेस्टी ये ऑमलेट बनता है सबस प्याज का, ये मेरी कट्टो को बड़ा पसंद है। कौन कद्दा सर थोड़ा भी कट्टो अद्धी हुई पई है मैं, लेकिन हूँ भी कट्टो। हाँ तो कट्टो तो फिर कट्टो ही होती है। गाइस आमना मेरे से मोटी है, उसको नहीं कह सकती कुछ, लेकिन मैं अभी नहीं, भी वो उसने जब से स्कूल जाना शुरू किया वो काफ़ी कम हो गई है, वो भी पहले मुकदस की तरह बस बैठी रहती थी ना। इससे मेरा भी दिल कर रहा पराठा खाने का, दिल कर खाना तो वो थोड़ा सा है और छोटा सा ना। ये जी जी नाश्ता नाश्ता मान गया, असल में इब्राहिम से बहुत है तो वो माशाल्लाह से लगी जाती है। इसको नरम एंड गरम जी जी स्कूल आज भी नहीं जाना, ये आमना से दो दिन छुट्टियाँ और तीसरे दिन वो कहती है मैंने स्कूल ही नहीं जाना, तो ये वाली लाइफ अच्छी है, वो सुबह सुबह उठो और भी स्कूल जाओ, क्यों कदर
हमारे भी ऑनलाइन क्लासेस हो तो हम भी यही कहते हैं। ये जी इब्राहिम रोटी लेके जा रहा है, इसकी बनाना जरा। सुगड़ बेटी घर की, ये गाइस हमारे घर की सुगड़ बेटी है, एक ही है। मामा आपको अल्लाह ने एक सुगड़ बेटी, हम बेटी साइड चेंज कर दी है, ये देख ले माशाल्लाह कितना प्यारा और सही फ्रेश फ्रेश बन गया, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ना धीमी आंच रख के बनाना है, ठीक है। ये देख, ये बस अब ऐसी देखने, कोई एक्स्ट्रा ऑयल नहीं है, कोई आप ऑयल नहीं नजर आएगा, ठीक है। जिसने जितना जितना लेना होगा, साग भी रख दिया बाहर और जी ये भी बन गया बस। अब साथ साथ सब भी नाश्ता करते जाएंगे, पता चाओ ये ले जाओ, और मैं इनको साथ में पराठे बना के दूंगी, ठीक है। ये इसको ये पसंद नहीं है, इब्राहिम इब्राहिम ने जबरदस्ती, ये जी इब्राहिम ने जबरदस्ती बनवाया पराठा अपना, मैंने ऑमलेट नहीं खाना। ये देखना ये पास खड़ा है, ये नाश्ता तो वो बैठ दे दिया मैंने, और उन्होंने साथ में पीनी है चाय, और चाय जी बन रही है क्वेटा दूध पत्ती के साथ, और सभी लेंगे चाय तकरीबन। गदस की असल में अभी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसको मैं जरा कोशिश कर रही हूँ कि ना ही पिए, उसका खुद भी दिल नहीं कर रहा है, ठीक है। अम्मी मैं और मलिक साहब लेंगे। अच्छा मैं थोड़ा सा आपको जैसे कि देख रहे हैं कि जरा चाय में दूध पानी कम डालती हूँ, दूध थोड़ा सा ज्यादा होता है हमारा, ठीक है। माशाल्लाह से चाय भी स्ट्रांग होती है, तो हिलाना जरा उसको, और साथ साथ में मैं पराठे बना के दे रही हूँ उनको भी। ये जी बॉयल हो गया सब, और इसमें अब ये दूध डाल के कदची बना के मैं साथ में रोटी बना रही हूँ, अगर पहले मैं पराठे वाला काम चले, रोटी वाला काम खत्म हो गया, ये बस अब मुकद्दस जी चाय बनाएगी और चाय लेकर आएगी बाहर। सूखी रोटी गाइस, इस सूखी रोटी पे भी 1.5 चम्मच घी लगा हुआ, अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो। और मुकद्दस ने पहले कहा कि मैंने खाना है ब्रेड, और फिर जी मुकद्दस ने कहा मैंने पराठा खाना है, मेरा दिल खा रहा है। ये देख, यही कल सेम आमना बना रही थी, आमना ये कर रही थी, हाँ आमना ये कर रही थी, उसने पहले दोनों हाथों से इनको अलहदा अलहदा किया था कि ये सही नहीं खुलती ऐसे करके। ये देखे, ये देख, ये है फटा हुआ भी। तो फिर यही होता ना, असल असल तो यही होता ना कि पता तो लगे ना वी बनाए हुए है ना आमना। उधर देखें दो रोटियां बनवा के, तो हूँ वो खेल रहा है, रोटी खा के अपनी आज आपको भी इतनी रोटी पसंद आई हुई है, सादा पराठा खाई जा रही है। देसी काउ घी में बना हुआ था बाय चिल्टन प्योर, उनका तो उसका मोस्ट फेवरेट ब्रांड। हमने नाश्ता कर लिया है और आज मेरा मूड काफी अच्छा है, रात को हम आराम से सोए, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई कुछ नहीं, और अब हमने सफाई भी खुद की है, आप बेशक देख लें मैंने और मामा ने मिलके। हाँ जी ये हमने नाश्ता किया, उसके बाद फिर हमने जी सारी सफाई वगैरह की है, ठीक है। और उसके बाद जी मुकद्दस आज शुक्र है ठीक है, काफी देखने है उसका जरा फेस फ्रेश हुआ हुआ है, ज्यादा स्ट्रेस की वजह से तबीयत खराब थी, लेकिन मेरी पहले भी तबीयत खराब रही है हफ्ता उससे पहले भी, तो अभी ट्रीटमेंट लेना ज्यादा जरूरी था, और अभी जी मैं काफी बेहतर हूँ, सिर्फ थोड़ा सा गला खराब है आपको आवाज से लग रहा होगा। मेन मकसद पे आते हैं, मैंने आपको बताना था स्किन केयर के बारे में, एक बात का ख्याल रखना है कि जो भी मैं आपको प्रोडक्ट्स बताऊंगी
वो ऐसी मसले को ठीक करेंगे जो आपकी स्किन के ऊपर एबनॉर्मली है। जैसे अगर मेरी स्किन डार्क है तो वो ब्लीच नहीं है जो आपकी स्किन को चिट्टा कर देगी, वो बहुत आराम से आपकी स्किन के ऊपर से डार्क स्पॉट खत्म करेगी, ठीक है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। और ये स्किन केयर मैं प्रेफर करूंगी कि आप रात को करें, ठीक है। सबसे पहले इनमें है जी रोज वाटर टोनर। रोज वाटर टोनर हम सब वाकिफ है, रोज वाटर आपने यूज करना है डार्क स्पॉट्स के लिए, एक्ने के लिए। आप इसे एज ए टोनर यूज करें सुबह शाम दोपहर 15 मिनट बाद 20 मिनट बाद, वो आपकी चॉइस है। ज्यादा यूज नहीं करते लोग ऑब्वियसली, थोड़ा सा दो से तीन टाइम बस, दो से तीन टाइम जब भी आप अपनी स्किन केयर करने लगे आप उसके साथ यूज करते हैं, वैसे भी कर लिया करें इस पर, आपकी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद जी जो मेन चीज है ना, जो आज का हमारा सुपर हीरो जिसकी वजह से मैंने सारी स्किन केयर अलाइन की और मैंने इसे ट्राई, मैं हर चीज ट्राई कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये है जी चिल्टन प्योर का कोजिक सीरम। रेयर केसेस में ऐसा हुआ कि मेरा दाना दाग ना छोड़ के गया, ठीक है। तो इसके पीछे भी इसके सारे बेनिफिट्स लिस्ट किए गए हैं, कुछ मैंने आपको बता दिए हैं। प्रेफर किया जाता है कि आप इसे अकेले यूज कर लें, नहीं तो आप इसे विटामिन सी में भी मिक्स कर सकते हैं, ठीक है। धूप में मत सीधा लगा के जाएगा, अगर लगाए भी तो बार बार सनस्क्रीन लगाना है आपने, ठीक है। इस बात का खास ख्याल रखना है। इसकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत आसान है, इस तरह का सीरम है, ठीक है, ठीक है। थोड़ा सा हमने लेना है, सॉरी मुझे टपकना पड़ा, ये आपने इसे टपकाना है। दो से तीन ड्रॉप आप चाहें तो इससे पहले अपना मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इससे पहले वाइटमिन सी सिरप लगा लेते हैं या वाइटमिन सी क्रीम लगा लेते हैं चिल्टन प्योर की, तो वो भी एक जबरदस्त एडिशन है, ठीक है। वाइटमिन सी भी जो है वो स्किन की ब्राइटनिंग के लिए काम करता है, और जब ये दोनों ब्राइटनिंग एजेंट्स मिलते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छा काम करते हैं। सेफली आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं, मैंने खुद इस पर रिसर्च की है, मैंने खुद लगाए भी हुए हैं, और अभी बहुत जल्दी से आपकी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ज्यादा टैप कर ले मैंने इतने जिस बात में टैप नहीं किया, ये आपकी स्किन में बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाएगा, कोई इसका इशू नहीं है। सर्दियों में सबसे बुरे लगते हैं फटे हुए होंठ, ज्यादा डिहाइड्रेशन की वजह से भी होते हैं, ज्यादा पानी भी पीना चाहिए, और साथ लिप बाम या फिर इन दिस केस मैं यहाँ यूज कर रही हूँ चिल्टन प्योर का लिप ऑयल, बहुत मतलब अच्छी सी चीज है, नेचुरल सी ऑयल है। और सबसे अच्छी बात है जो हम रगड़ रगड़ के बाम्स लगा रहे होते हैं ना, और आधी बाम एक दिन में खत्म हो जाती है, यहाँ पे ये वाला सीन है, आपने बेरली एक ड्रॉप लेना है और वो आपने करके लगा लेना, बस काम खत्म। हाँ जी, ये जी है इंतहाई मुख्तसर सी स्किन केयर जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। तो चले जी अब मामा आपसे मिलती है। जी आज इनको फ्रूट माशाल्लाह से मिले हुए हैं। अच्छा जी, अब मैं बनाने जा रही थी चाट, मेरा दिल है कि आज चना चाट बनाते हैं, जो काले चने की इमली वाली होती है ना चना चाट, वो मैं बनाने जा रही थी। मैंने कहा चले बच्चों के लिए जरा घर में बना लेती हूँ। तो आज की जी वीडियो में जितने मैंने प्रोडक्ट यूज किए उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, और 20% फ्लैट ऑफ भी जा रही है इनके सभी प्रोडक्ट के ऊपर। और अगर आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी